गाइस वेलकम बैक। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस लाइफस्टाइल। सो बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ एंड आज जमाई षष्ठी। सो हैप्पी वाओ, सो हैप्पी जमाई षष्ठी टू आरजे एंड टू ऑल द बंगाली जमाईज आउट देयर। सो यहाँ बहुत बहुत इन्जॉय करो। एंड आज एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि हम लोग फ्रेंड्स लोग मिल के कहीं जाएंगे। सो ड्यू टू सम रीज़न मेरी एक फ्रेंड का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, सो इसलिए वो नहीं जा पा रही है। सो मी एंड यश थॉट कि वाई लाइक चेंज द प्लान एंड वाई कैंसिल इट। सो इट्स बेटर कि हम लोग ही कहीं चलते हैं, थोड़ा हैंग आउट करते आ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा बिकॉज सारे असाइनमेंट्स थे वो सब भी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, इसीलिए ना बहुत दिन से व्लॉग भी इनफैक्ट नहीं की। सो आई थॉट कि आज जब जा ही रहे हैं कोलकाता, सो लेट्स टेक यू ऑल विथ मी एज वेल एंड आई एम टू शो यू कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक्चुअली अभी तक ना कुछ ढंग से डिसाइडेड नहीं है एंड जहाँ पे हम लोग सोचे थे जाएंगे वहाँ पे आज नहीं जा रहे हैं। बट एक सेकेंड लाइट ऑन कर। हाँ, सो जहाँ पे बेसिकली सोचे थे जाएंगे वहाँ पे आज नहीं जा रहे हैं। सो कुछ विल डू एंड या आउटफिट मैं आज एक नॉर्मल बेसिक स्पोर्टी लुक कैरी कर रही हूँ विथ माय एवर फर्स्ट एवर डिजाइनर बैग फ्रॉम लुई विटों एंड या सो लेट्स सी। ऑल्सो कोलकाता का वेदर अपडेट इज लाइक कि विंडी है बहुत ज़्यादा बट ह्यूमिडिटी भरपूर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली मैं आज रेडी हो गई हूँ बहुत जल्दी एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यश टू अराइव। वो हर बार लेट करता है, सॉरी मैं हर बार लेट हो जाता है मेरे से थोड़ा बहुत एंड आज आई हैव टू वेट फॉर हिम। सो लेट्स वेट टिल ही कम्स। सो गाइज यश अभी तक नहीं आया, इट्स ऑलमोस्ट 45 एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम। हम लोग का बात था 4 दिन वहाँ से 4:30 एंड अभी इट्स 4:51 नॉट 4:45 एंड स्टिल ही इज नॉट हियर। यश आ चुका है इतना लेट से और मैं अभी जूता पहनूंगी। अच्छे हाथ धोए नहीं हो? मैं हो गई हूँ अभी रेडी एंड आई एम ऑल डन एंड दिस इज व्हाट माय लुक इज। मैं अच्छे से वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी। फाइनली ये यहाँ पे है एंड इतना लेट किया, इतना लेट किया है रेल गेट के कारण कुछ नहीं। एंड टुडे समहाउ वी आर ट्विनिंग ब्रांड कलर भी देख लो ब्रांड वाइज एंड कलर हाँ कुछ कुछ ट्विन हो रहा है ब्लू हो रहा है। मेरे को वेट करवा के कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। वेट हम तुमको आज वेट करवा रहे हैं। वही मैं बोल रही थी। फाइनली हम लोग आ गए एंड यहाँ पे बहुत सालों बाद लाइक मैकडी भी ओपन हो चुका है मनी स्क्वायर में। यस आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। देखो भाई तो मैचिंग हो रहा है भाई, देखो हमारा ब्लू के साथ ब्लू भाई। से इस बार यू नो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया वेस्ट साइड में एंड आई टुक दिस इयर रिंग एंड आई एम रियली लाइक इट रियली लविंग इट, इट्स अ गुड वन। एंड मैं थोड़ा बहुत कलेक्शन आप लोग को शो कर दूँगी, ऐसे मैं यहाँ पे ना आज कोई काम नहीं करने लाइक डेडिकेटेड कोई वेस्ट साइड कलेक्शन वीडियो मैं नहीं दिखाने आई हूँ। One is literally very pretty.
अच्छा लाइक हवा चल रहा है. ओ माय गॉड, एंड दिस इज़ द रीज़न आई केम हियर फॉर, बिकॉज रात में यहाँ का रूफ टॉप में काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दैट्स वाई वी केम हियर. लाइक मुझे तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करना था लाइक बहुत सालों बाद. गाइज, यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मली आए हैं, यहाँ पे हम लोग खाएंगे नहीं. पहले प्लान यहीं पे खाने का था, तो बट सिंस मैंने आप लोग को डूबते वक्त ही दिखा दिया कि यहाँ पे मैकडी फिर से ओपन हो चुका है इतने सालों बाद, सो वी विल गो टू मैकडी. अच्छा अच्छा फ्राइज बर्गर मिलता है मैकडी में. एक नंबर, वी लव मैकडी, वी लव. एंड मैं वो भी खाऊंगी, कौन सा बोलो तो, सॉफ्टी. यस, सॉफ्टी आइसक्रीम, लाइक आई लव इट. आओ एक साथ, एक साथ, एक साथ करो, एक साथ, चल चल कर करते करते. क्या चोचला बाज भाई तुम, ये सब क्या लैंग्वेज सीखा. ऑल्सो गाइस मैं एक चीज, आप लोग की डेकोरेशन कितना मस्त लग रहा है यार. फिर मेरे ना दीदी का शादी का याद आ रहा है ये डिकोर देख के. गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे 12:29 / 12:30, एंड कल मैंने लास्ट आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पे भी बारिश हो रहा था. मेरे घर के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, लाइक कोलकाता वॉज लिटरली रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. एंड सो मैं कल फिर घर आके सो हो गई, बहुत टायर्ड थी, एंड अभी मैं जस्ट नींद से उठी हूँ. सो या गाइस, कल मैं मैकडी में गई थी, फिर वहाँ से खाते खाते बात करते करते मैं ऑल माई क्लिप्स नहीं उठा पाई थी. सो हम लोग वहाँ पे बर्गर खाए थे, फ्राइज खाए थे, कोल्ड ड्रिंक पिए थे. बहुत दिनों से एक चीज़ पेंडिंग है दिखाना. सो गाइस, वो जो वरमाला था वो आ गया था, लाइक वरमाला जो हम लोग प्रिजर्व किए थे वो आ गया, एक महीना हो गया. एंड हर एक ब्लॉग में मैं भूल जाती थी दिखाना, सो आई थॉट कि इस ब्लॉग में आई विल डेफिनेटली शो यू गाइज. सो पैकेजिंग काफ़ी हार्डी पैकेजिंग में आया था, लाइक दे रियली डिड द पैकेजिंग वेरी गुड. ऐसा आया है, इट्स सो ब्यूटिफुल यू गाइज, इट्स सो ब्यूटिफुल. 3D इफेक्ट्स भी है. ओह इट केम, ये काफ़ी स्टर्डी है, हमने 12 इंचेस डीप करवाया है इसको. यहाँ पे फ्लावर्स है, पर्ल्स है, सब यहाँ पे वो माला का ही है. सो अगर आप लोग को भी ऐसा ही बनाना है देन मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, वो आप लोग उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो अभी है शाम एंड मैं आज आइसक्रीम, आज मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, लाइक दूध का आइसक्रीम. थोड़ा आवाज़ हो रहा है मेरे घर पे, बिकॉज यहाँ पे मैं ना नॉर्मल दूध का आइसक्रीम बना रही हूँ. एंड मैं थोड़ा बहुत रेसिपी लाइक एक स्केच शेयर करती हूँ ताकि आप लोग देख के अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी बना सको. यहाँ पे मैंने 3 पैकेट दूध लिया है, यानी कि 500 ग्राम्स का था. सो सीरियसली, मैंने मैं पता है, एक तो कभी भी मैं किचन में आती हूँ कुछ ना कुछ ब्लंडर होता ही है, बिकॉज मेरा घर वाले मुझे एकदम भी ट्रस्ट नहीं करते किचन में. एंड बात करते करते क्या रायता फैल गया देख लो. एनीवे, सो 3 पैकेट दूध था, यानी कि 500 ग्राम्स करके ईच था. सो 1.5 लीटर दूध में मैंने चिली को यहाँ पे पीस लिया है मिक्सरी में, एंड यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है. सो इसको भी क्या करना है वो मैं दिखाऊंगी, बट पहले मैं ऐसे ऐसे करूंगी. फिर जैसे दूध बलून बनेगा वैसे फिर से मैं दूध को बैठा दूंगी. एंड ऐसे करते ऐसे ना बहुत देर तक लाइक बनाते जाना है, ठीक है. बलून आस्ते आस्ते बन रहा है, जैसे ही बलून बन रहा है मैं इसे लो कर दूंगी, ठीक है. यही करते करते मेरा आधा दूध गिर गया था गाइस. बहुत साल बाद बनाई थी, लाइक मैं जब क्लास 12 में थी 2018-19 तब मैं बनाई थी आइसक्रीम कुल्फी. तब ना बहुत नया नया शौक चला था मुझे खाना और पकाने का,
बट आजकल तो इतना खास अच्छा लगता नहीं, लेकिन आई फील वेरी लेजी, इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। अदरवाइज मैं आज सोची कि मेरे घर सब कोई आए हुए हैं, तो मैं सोची कि चलो बनाती हूँ, बच्चे लोग हैं तो चलो खिलाती हूँ, और मुझे भी खाना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी दूध में एक एक बार करके बलून्स आएंगे, वैसे वैसे आपको ऐसे शुगर पाउडर डालना है। सो सॉरी यू गाइस। सो जैसे जैसे करके बलून्स बने, आपको शुगर पाउडर डालते जाना है और इसे घुमाते जाना है, ठीक है। पहले इतना था, फिर इतना आया, फिर इतना आया। इसका कंसिस्टेंसी आप खुद चेक कर पाओगे, थोड़ा जैसे यू नो क्रीमी कंसिस्टेंसी होगा आपको बंद कर देना। वैसे यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा सैफरन भी ली हूँ, आई डोंट नो कि कैसे लेते, बट मतलब मैं ये वाला चीज़ फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ। तो आई थिंक इसे थोड़ा सा पानी में भिंगाया जाता है जितना मुझे आइडिया है, सो दैट थोड़ा कलर भी अच्छा आए एंड टेस्ट भी, बिकॉज मुझे सैफरन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये कॉर्नफ्लावर, इसे मैं थोड़ा सा पानी में पानी दूंगी। इसको मैं एकदम लास्ट में दूंगी। पे इसको रख दिया है लाइक दूध का उसको, बिकॉज वो हो चुका है। मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी थोड़ा सा और क्या बोलते उसको सैफरन थोड़ा सा ऊपर से दे दिया है, एंड बॉयल करते वक्त काफ़ी सैफरन मैंने दिया था। लाइक एकदम गर्म था, एंड जस्ट गर्म को ही हम फ्रीज में नहीं रख सकते हैं, सो इसीलिए पहले उसको मैं रखूँगी सो दैट रूम टेम्परेचर में आ जाए वो, एंड आफ्टर दैट हम उसे स्टोर कर देंगे। আর আমি যে তোমাকে যেটা বলতে শিখিয়েছি ওটা বলো, যেটা বলতে শিখিয়েছি মানে सब ये रूम टेम्परेचर में आ चुका है जैसे आप देख सकते हो। सो इसे मैं अभी कंटेनर में पोर करूंगी। गाइज ये इतना सारा हुआ है ऑलरेडी, 8 तो हुआ ही है, प्लस इसमें एक हुआ है, और ये दो कंटेनर्स में भी भर गया है। लाइक 1.5 लीटर दूध काफ़ी अच्छे से हो गया, इससे ज़्यादा होता अगर वो ब्लेंडर नहीं हुआ होता किचन में तब। गाइज ये पूरा लाइक फिक्स है, 1, 2, 3, 4 तो ऐसे कंटेनर में भर गया, और वैसे वहाँ पे 8 भर गया है। आई विश होपिंग फॉर द बेस्ट कि कल टर्न आउट बहुत अच्छे से हो, सो कल देखते हैं कि ये कैसा टर्न आउट होता है। हाय गाइस, सो आज नेक्स्ट डे है एंड एक्चुअली अभी बन चुका है, सो लेट्स ओपन। ये बस मैं और दीदी टेस्ट की थी। की सुंदर होयेछे। गाइस सो हम लोग सबको ही वो आइसक्रीम खा लिए थे, एंड अभी मैं और दीदी थोड़ा सा अभी निकलूंगी, एंड सबको आइसक्रीम काफ़ी अच्छा लगा। लाइक होममेड आइसक्रीम दूध का मुझे बहुत पसंद है ऐसा ही। सो मैं भी हो गई हूँ रेडी, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।